बारिश के कारण कैंट बिजली घर पर लगा 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण शहर की विद्युत आपूर्ति पिछले दो दिनों से भंग चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को कैंट बिजली घर का खराब पड़ा 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर बदला गया। हम आपको बता दें कि दो दिन पूर्व हुई बारिश के कारण कैंट बिजली घर पर लगे 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर ने अचानक 33 केवी लाइन से विद्युत आपूर्ति लेनी बंद कर दी। इतनी जल्दी अन्य ट्रांसफार्मर का इंतजाम ना हो पाने के कारण शहर की जनता को पेयजल आपूर्ति सुविधा को मद्देनजर रखते हुए विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर बिजली घर में रखे 8 एमवीए के ट्रांसफार्मर से शहर के अलग अलग फीडरों को एक एक घंटे के अंतराल में विद्युत आपूर्ति दी गई, लेकिन शुक्रवार को 10 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर बदला गया, जिसे जल्द ही सुचारू करने के लिए विद्युत कर्मी कड़ी धूप में भी पसीने बहाते नजर आए। इस संबंध में वहाँ मौजूद एक कर्मचारी से बातचीत की गई तो उसने ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी दी। इसमें सर ये जो सप्लाई 33 सप्लाई आ रही थी, उस 33 सप्लाई को रिसीव नहीं कर रहा था। जैसे ही 33 सप्लाई लगती थी ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता था। कल कितने बजे से बारिश हुआ? ये 27 तारीख की रात को 2:15 बजे, 2:10 या 15 मिनट के बीच की। तो काफ़ी शहर की विद्युत आपूर्ति, शहर की विद्युत आपूर्ति पर फर्क तो पड़ा है, लेकिन क्या है फिर भी जनमानस के उसको देखते हुए हमने क्या है, एक जो हमारे पास छोटा ट्रांसफार्मर है 10 एमबीए का, उस 8 एमबीए जो 10 एमबीए वाला था ये ख़राब हो गया, तो हमने 8 एमबीए से 10 एमबीए की केबल को जोड़ के और 8 एमबीए पे इतना लोड नहीं डाल सकते, तो हमने 2 फीडर काट काट के जो है सबको लाइट दी, ताकि सभी को पानी भी मिलता रहे और उनके टाइम टू टाइम जो है इन्वर्टर वगैरह चार्ज होते रहे। घंटे के अंतराल में एक घंटे की रोस्टिंग रखी सर हमने, 1 घंटे की रोस्टिंग के बाद में। तो अब ये कितने बजे तक सर अनुमानित समय इसका? समथिंग 5 बजे तक। 5 बजे तक ये बहाल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा अंदर पहुंचने वाला सामान था वो पहुंच गया, अभी इसकी एसेसरीज जुड़ेगी, उसके बाद इसमें ऑयल भी डालना है, ट्रांसफार्मर चार्ज भी करना है, लोड भी लेना है इस पर, तो इसमें समय लगेगा। और बिल्कुल जो हमारी सप्लाई है वो नॉर्मल होने में मेरे हिसाब से जो है 5 बजे तक सप्लाई नॉर्मल हो जानी चाहिए, ये अनुमानित समय है, आधा घंटे पहले भी हो सकती है, 1 घंटा ज़्यादा भी लग सकता है। वहीं इस संबंध में एसडीओ मथुरा सिटी संदीप वाशने ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफार्मर की उपलब्धता न होने के कारण अलग अलग फीडर की कटौती कर सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन देर शाम तक विद्युत आपूर्ति पहले की तरह बहाल हो जाएगी। परसों तेज बारिश आ जाने के कारण कुछ इंटरनल फॉल्ट होने के कारण, तकनीक खराबी आ जाने के कारण जो कैंट विद्युत उपकेंद्र है उसमें जो 10 एमवीए का जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो गया, जिसके कारण उसे बदलवाया जा रहा है। और आज ट्रांसफार्मर को बदलवा दिया गया है, अब उसके थोड़े टेस्टिंग वगैरह करा के उसे नो लोड पर थोड़ा चार्ज करके और उम्मीद है रात तक विद्युत सप्लाई आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अभी तक तो यह है कि जो दूसरा ट्रांसफार्मर रखा है उससे सप्लाई रोटेशन में चला के जो फीडर काट काट के सप्लाई विद्युत आपूर्ति इस तरीके से की जा रही है। हाँ, घंटे घंटे भर के अंतराल में। अभी यह है कि विद्युत आपूर्ति रात तक करवा दी जाएगी, 10-12 बजे तक सुचारू रूप से चालू करवा दी जाएगी। अभी तो 3-4 घंटे से सप्लाई इस वजह से बंद है क्योंकि ट्रांसफार्मर को चेंज किया जा रहा है, तो कुछ वहाँ सेफ्टी पर्पज से और केबल वगैरह डैमेज नहीं हो, तो इस कारण से पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित है इस समय।